व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू डी के एम क्यूब टेक। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट को बनाकर अपनी वीडियोस को एक सीक्वेंस या एक सीरीज के रूप में रखना चाहते हैं? अगर आप अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर अपने वीडियोस को एक सीक्वेंस के रूप में रखते हैं, तो जो भी बंदा आपके YouTube चैनल पर आता है कुछ सीखने के लिए, अगर उसे सारी चीजें एक सीक्वेंस के रूप में मिलेंगी तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपका चैनल। अगर उसको आपका कंटेंट, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट YouTube प्लेलिस्ट। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये सारी चीजें अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके उसे डेस्कटॉप साइट पर इनेबल कर देना है। सेम चीज लैपटॉप की तरह चलने लगेंगी। उसके बाद आपको उसमें अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है। YouTube चैनल ओपन करने के बाद आपको अपने YouTube लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको सिंपल सा प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी इसमें प्लेलिस्ट एक भी नहीं बनी। प्लेलिस्ट बनाने के लिए सिंपल सा आपको न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां अपना प्लेलिस्ट का टाइटल लिख सकते हैं, मतलब अपने प्लेलिस्ट का क्या नाम रखना है वो लिख सकते हैं। फिलहाल मैं रखता हूं YouTube ट्यूटोरियल। प्लेलिस्ट का नाम लिखने के बाद आप नीचे विजिबिलिटी भी लगा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं प्राइवेट रख सकते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं तो अनलिस्टेड रख सकते हैं। फिलहाल हम अनलिस्टेड ही रखेंगे। अनलिस्टेड रखने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट बन गई है, यानी हमारी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। अब इसमें वीडियो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सा पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। वीडियो ऐड करने के लिए हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं ऐड वीडियोस, कोलैबोरेट, प्लेलिस्ट सेटिंग, डिलीट प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। हम सिंपल सा ऐड वीडियोस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं वीडियो सर्च यूआरएल योर यूट्यूब वीडियोस। इसका मतलब है यूट्यूब वीडियोस का मतलब है कि आपने दूसरे चैनल का भी वीडियो अपने इस प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। फिलहाल हम अपने इसी चैनल का वीडियो अपने प्लेलिस्ट में लगाएंगे। आप योर यूट्यूब वीडियोस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज रखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो आपको क्या रखनी है, मान लीजिए मुझे ये वाली पहली वीडियो रखनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें ये दूसरी वीडियो रखनी है, हमें ये तीसरी वीडियो रखनी है, हमें ये चौथी वीडियो रखनी है। ऐसे क्लिक करते आप चले जाएंगे तो आपकी वीडियो ऐसे सीक्वेंस वाइज में लगती चली जाएगी। आपको ऐड वीडियोस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस लग गई हैं। जैसे मान लीजिए आप ये नीचे वाली वीडियो सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, मूव टू टॉप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये वाली वीडियो सबसे टॉप में लग गई है। जैसे मान लीजिए आप इस प्लेलिस्ट से किसी वीडियो को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपको, रिमूव फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल। इस प्लेलिस्ट से आपकी वीडियो रिमूव हो जाएगी, आपके चैनल से वीडियो डिलीट नहीं होगी। आप डरिए नहीं, सिर्फ इस प्लेलिस्ट से आपकी वीडियो रिमूव होगी। रिमूव फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल करेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट से वीडियो डिलीट मतलब रिमूव हो जाएगी। अगर आप अपने प्लेलिस्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो एडिट टाइटल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यूट्यूब आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं रख लेता हूँ यूट्यूब ए। ये करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे, हमारा प्लेलिस्ट का नाम चेंज हो गया है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल सा आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट डिलीट पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट डिलीट हो जाएगी। वीडियो नहीं डिलीट होगी आपके चैनल से, सिर्फ प्लेलिस्ट डिलीट होगी। आप डरिए नहीं कि हमारी वीडियोज डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ जो हमारे काम का है। आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक, प्लेलिस्ट सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है, जैसे ऐड न्यू वीडियोस टू टॉप ऑफ प्लेलिस्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वीडियो डालेंगे सबसे ऊपर रहेगी, फिर उसके बाद जो वीडियो डालेंगे वो सबसे ऊपर रहेगी। मतलब आपकी जैसे वीडियो डालते जाएंगे वो टॉप पर ऐसे लगती चली जाएगी। तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में लग चुकी हैं। आपको ऐसे ही प्लेलिस्ट बनाना है, आपको ऐसे ही प्लेलिस्ट में वीडियोस को ऐड करना है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।